शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई से मैं प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी हूँ। हम जम्मू से लेकर पहलगाम तक का हमारे एक दल ने जो है दौरा किया है, यहाँ की तमाम सुविधाओं को लेकर जो सरकार दावे करती है उसकी जानकारी ली है, यहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। सबसे पहले तो आप लोगों के तमाम लोगों के माध्यम से मैं यात्रियों को, देखिए 1 जुलाई से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, सबसे पहले तो एक हम मैसेज देना चाहते हैं श्रद्धालुओं के नाम, यात्रियों के नाम, के बेखौफ होकर रिकॉर्ड तादाद के अंदर वह भोले बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। किसी तरह का कोई यहाँ पर खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, सारे के सारे स्थानीय लोग आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसके साथ ही हम जब यहाँ से जम्मू से यहाँ तक चले पहलगाम तक, तो बीच में भी बहुत सारी परेशानियों से हम रूबरू हुए, जिसको आपके लोगों के माध्यम से प्रशासन तक पहुँचाएंगे, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड तक पहुँचाएंगे। पहले यहाँ के पहलगाम के स्थानीय लोगों से हमने कल मुलाकात की, जो घोड़े वाले हैं, टेंट वाले हैं, जो पिट्ठू वाले हैं, वे थोड़ा सा प्रशासन के रवैये को लेकर, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के रवैये को लेकर उनमें रोष था, थोड़ी नाराजगी थी। वो नाराजगी इसलिए थी कि देखिए यहाँ के लोगों के सहयोग को बुलाया नहीं जा सकता। जो पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा है ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। जो स्थानीय लोगों ने, अगर हम कोरोना काल का याद करें, जब आतंकवाद पीक था पर था, उस समय की याद देखें, तो यहाँ के स्थानीय लोग हमेशा अमरनाथ यात्रा के आने वाले श्रद्धालुओं के साथ खड़े रहे थे। और ये यात्रा जो भी हिंदू यहाँ पर यात्रा के लिए आते हैं, भोले बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं, उस यात्रा को आसान बनाने का, सरल बनाने का काम हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, यानी सेवाएं देने का काम। तो जो पिट्ठू की सेवाएं देते हैं, टेंट सेवाएं देते हैं, या घोड़ा वाले की सेवाएं देते हैं, वो जो है प्रशासन के रवैये से नाराज हैं। उनकी मांग है, सबसे पहले उनकी मांग के ऊपर हम आवाज बुलंद करेंगे, उनकी मांग है कि उनके लिए उनको यहां पर प्रशासन द्वारा, श्राइन बोर्ड द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए सेवाएं देने में। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि 80% रिजर्वेशन यहां पर के पहलगाम के स्थानीय लोगों को दी जानी चाहिए, टेंट सेवा देने में, घोड़ा, पिट्ठू और होटल आदि सेवाएं देने के अंदर। इसके साथ ही देखिए, जब अमरनाथ यात्रा, पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, तो उस समय जो श्रद्धालु आते हैं उनको एक तरह का बंधक बना के रख दिया जाता है, उनको आजादी नहीं होती किसी भी और अन्य पर्यटक स्थल पर घूमने की। तो प्रशासन से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से हम मांग करते हैं कि उनको जो है वो बंधक की तरह ना रखा जाए, उनको आजाद रखा जाए, ताकि वो अन्य पर्यटक स्थलों का दौरा भी कर सके।